वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं लिथोग्राफी पे यानी कि प्रिंट मेकिंग पे वीडियो बनाऊं। नॉट ओनली लिथोग्राफी बट इसमें एचिंग भी हो सकते हैं, सेरीग्राफी भी हो सकते हैं, कोलोग्राफी भी हो सकते हैं, क्रोमोलिथोग्राफी हो सकते हैं, एक्वाटिंट हो सकते हैं जो कि एचिंग का ही पार्ट है, और भी बहुत सारे टेक्निक के बारे में। तो हर एक टेक्निक को मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गो थ्रू फाइन आर्ट हमेशा ही जो भी वीडियो लाते हैं वो आप लोग के लिए बिल्कुल ही नए वीडियो लाते हैं, और साथ में आप लोग की जो डिमांडेड वीडियो होती है वो मैं लेके आती हूँ। जैसे कि मुझे कॉमेंट में आया था कल ही, जब मैं NVS के रिजल्ट के बारे में और इंटरव्यू टिप्स के बारे में बात कर रही थी, तो मुझे किसी ने कॉमेंट किए कि मैम आप लिथोग्राफी पे, फोटोग्राफी पे, इस पर भी वीडियो बना दें क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऑब्वियसली पूछा जाता है, और ग्राफिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंट मेकिंग से जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ज़्यादातर आर्टिस्ट तो होते ही हैं, आर्टिस्ट तो आपको पढ़ना ही है। जैसे कि मैं बताई थी, कुछ लोग कह रहे थे कि ग्राफिक्स के कौन कौन से आर्टिस्ट पढ़ने हैं, तो अनुपम सूद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, कृष्णा रेड्डी हैं, लक्ष्मा गौड़ हैं, और भी बहुत सारे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। बट अगर हम लिथोग्राफी की बात करें यहाँ पे अभी पर्टिकुलर, तो लिथोग्राफी से आपको एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, और उसमें आपको दो तीन आर्टिस्ट ही पढ़ना है। लिथोग्राफी में आपको ज़्यादा आर्टिस्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको लिथोग्राफी का प्रोसेस पूरा जानना है कि लिथोग्राफी कैसे क्या होता है। तो मैं एक चीज़ सबसे पहले आप लोग को मेंशन करना चाहूँगी लिथोग्राफी के बारे में, कि अगर आपको कोई फ्रेंड मिलते हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, तो अगर वो लिथोग्राफी कर रहे हैं तो एक बार उनका जाके पूरा काम देख लें। मान लीजिए ये उनका काम स्टार्ट होने वाला है, ये एक स्टोन है, इस पर ये काम अगर करने वाले हैं, तो जाके आप पूरा देखिए एक प्रोसेस, उससे क्या होगा इजीली आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिकली जितना आप देखेंगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि मैं पेंटिंग की स्टूडेंट थी, तो मुझे ग्राफिक्स की थोड़ी बहुत टेक्निक आती है, नॉट ओनली थोड़ी बहुत मैं कर लूँगी, चाहे मुझे एचिंग करना हो, एक्वाटिंट करना हो, ड्राई पॉइंट करना हो, लिथोग्राफी करना हो, सिर्फ मुझे सेरीग्राफी नहीं आती है, वो भी मैं कर सकती हूँ। तो ये क्यों आता है, क्योंकि मुझ में वो सीखने की लालसा थी। तो आप भी सीख सकते हैं अपने फ्रेंड से, और नहीं तो फिर समझिए ध्यान से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिथोग्राफी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि लिथोग्राफी कब इन्वेंट हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1796 में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लिथोग्राफी हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, वुड ब्लॉक हो गया, और सेरीग्राफी हो गया। ये चार होंगे, और इसमें से आपको क्रोनोलॉजी में सजाना है चारों को डेट के अनुसार, कि कौन सा का इन्वेंशन पहले हुआ है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आ गए, जिसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। डायरेक्ट लिथोग्राफी का डेट पूछा जा सकता है, या फिर इसके क्रोनोलॉजी पूछे जा सकते हैं, कि चार टर्म्स दिए होंगे और पूछे बोलेंगे कि इनको क्रोनोलॉजी में सजाइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि लिथोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट, और इससे हमेशा एक क्वेश्चन नेट में रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हेनरी दी तुलुस लॉटरिक, इनको सिर्फ हम लॉटरिक भी बोलते हैं, इनको सिर्फ हम हेनरी डे भी बोलते हैं ऐसे तोड़ तोड़ के, बट आपको पूरा नाम याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आपको पूरा नाम याद रखना है। बहुत बार सिर्फ तुलुस लॉटरिक दिया रहेगा, बहुत बार सिर्फ लॉटरिक दिया रहता है, बहुत बार हेनरी लॉटरिक दिया रहेगा, तो इसका आप पूरा नाम याद कर लीजिए, हेनरी दी तुलुस लॉटरिक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। इनका जन्म 1864 में हुआ और इनकी मृत्यु 1901 में हुई। तो ये एक आर्टिस्ट हैं जो कि लिथोग्राफी में बहुत काम किए हैं, और इनसे हमेशा क्वेश्चंस आता है। ये एक पोस्टर आर्टिस्ट हैं, ये भी आप लोग को मालूम होगा, ये बहुत पोस्टर बनाते थे, और पोस्टर बनाने के लिए सबसे इजी मीडियम है कि आप लिथोग्राफी में बहुत सारे प्रिंट एक साथ ले सकते हैं। जैसे जीरोक्स होता है ना, कि एक ही चीज़ के आप ज़्यादा प्रिंट ले सकते हैं, उसी तरह से लिथोग्राफी के आप कम से कम 30 प्रिंट तो इजीली ले सकते हैं, और भी ज़्यादा ले सकते हैं, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, बट 30 प्रिंट तक आपकी जो क्वालिटी होती है, जो स्मूथनेस होता है, वो अच्छा आता है, बाद में धीरे धीरे क्वालिटी ख़राब हो जाती है। दूसरी बात, सबसे पहले अगर हम लिथो की बात करें तो ये हमें जानना जरूरी है कि लिथोग्राफी का मीनिंग क्या होता है। तो लिथोग्राफी का मीनिंग होता है, सबसे पहले इसको दो भाग में हम डिवाइड कर देंगे, लिथोज, लिथोज का मतलब आपका होता है स्टोन, और ग्रेफिन का मतलब होता है राइट। ठीक है, ग्रेफिन का मतलब होता है राइट, यानी कि स्टोन पर आप कुछ भी अगर राइट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, वही है लिथोग्राफी।
तो लिथोग्राफी में हम यूज करते हैं ऑयल एंड वाटर का। लिथोग्राफी का पूरा ही मिश्रण जो है आपका ऑयल एंड वाटर पे बेस्ड है। सबसे पहले मान लीजिए ये लिथो है, तो इसको तो हम पहले घिस घिस के अच्छे से इसको साफ करते हैं, जिसमें हम कार्बोरेंडम का यूज करते हैं। तो लिथोग्राफी में ये भी याद रखना ज़रूरी है कि कार्बोरेंडम का यूज होता है, कार्बोरेंडम, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी से हम जो है सरफेस को साफ़ करते हैं, वो जो स्टोन होता है उसे हम कार्बोरेंडम से ही साफ़ करते हैं। तो बहुत बार पूछ भी दिया जाता है कि स्टोन की क्लीनिंग के लिए कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, तो कार्बोरेंडम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऑयल एंड वाटर की हम बात कर रहे थे, तो आप जब कार्बोरेंडम से स्टोन को घिस के साफ कर लिए, उसके बाद हम इसे फिटकरी से, यानी कि फिटकरी को आप तो लोग जानते ही हैं, फिटकरी अच्छे से आप लोग जानते हैं, फिटकरी से हम फिर इसे क्लीन कर लेते ताकि जो भी उसमें गंदगी जमा हुआ है वो गंदगी साफ़ हो जाए। अब ये हमारा स्टोन रेडी है काम करने के लिए, अब हम इस पर काम करेंगे पेंसिल से। बट कौन सी पेंसिल होगा इसके लिए, हम पेंसिल का जो इस्तेमाल करेंगे वो जो हमारी पेंसिल होगी वो ऑयल बेस्ड पेंसिल होगी। मान लीजिए अगर ये हमारी पेंसिल है तो ये पेंसिल ऑयल बेस्ड होगी। तो ऑयल बेस्ड पेंसिल मार्केट में मिलती है, जिसे हम क्रेयोन पेंसिल के नाम से भी जानते हैं, क्रेयोन पेंसिल, या फिर जिसमें भी वैक्स हो, जिसमें भी ऑयल का मात्रा हो, उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे हमारी ड्राइंग हो जाएगी। ड्राइंग करने के बाद बहुत सारे इसके प्रोसेस है, इसमें हम अरेबिक गम का यूज करते हैं, इसमें हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, तो सब धीरे धीरे मैं आप लोग को बताऊंगी। तो ये बात हो गई यूज्ड ऑयल एंड वाटर। अगर आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि लिथोग्राफी में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर ऑयल एंड वाटर ऑप्शन में रहे, ऑयल एंड वाटर ऑप्शन में रहे, सिर्फ ऑयल ऑप्शन में रहे, फिर सिर्फ वाटर ऑप्शन में रहे, और ऑयल के साथ कोई एक दे दे, तो आप लोग को ऑयल, या फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है कि ए एंड बी बोथ, ए बी सी सभी सही है। तो हाँ ऑब्वियसली ए बी सी सभी सही होगा, क्योंकि ऑयल एंड वाटर भी यूज होता है, ऑयल भी यूज होता है और वाटर भी यूज होता है, तो इसके भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका यहाँ पर आ रहा है कि लाइम स्टोन जो होता है कि स्मूथ सर्फेस होता है, एकदम स्मूथ सर्फेस होता है, और अगर स्मूथ नहीं भी है तो वही जो मैं आप लोग को बताई कि कार्बोरेंडम का इस्तेमाल करके हम उसे और भी स्मूथ बनाते हैं और उसमें ग्रेन क्रिएट करते हैं, छोटे 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 से ग्रेन होती है। लिथोग्राफी पे जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं, इस तरह से स्क्रैचेस आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जाम्पल दें, एक स्टोन है और एक आप स्टोन से एक प्लेट पर अगर खरोंचते हैं तो उसमें एक दाग आ जाता है। इसी दाग को हटाने के लिए, यही जो स्क्रैचेस है, इस स्क्रैचेस को हटाने के लिए हम कार्बोरेंडम का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हम बालू से, सैंड जो होता है नॉर्मल बालू, उस बालू से पहले घिसते हैं, बारीक बालू से उसे चाल लेते हैं, और बालू से घिसने के बाद हम ये कार्बोरेंडम का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोरेंडम देखने में हल्का ग्रे कलर का होता है, यानी कि ब्लैक से थोड़ा लाइट कलर का होता है। उसके बाद लिथोग्राफी को इन्वेंट किसने किया, तो एक जर्मन ऑथर थे, या फिर एक्टर भी बोल सकते हैं, जिनका नाम था एलोइस सेनेफेल्डर, ठीक है, एलोइस सेनेफेल्डर। तो एलोइस सेनेफेल्डर ने जो है 1796 में लिथोग्राफी का आविष्कार किए थे। तो ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि लिथोग्राफी का आविष्कार किसने किया, तो आप लोग को याद रखना है एलोइस सेनेफेल्डर, कब किया गया, तो 1796 में। और एलोइस सेनेफेल्डर किस कहाँ के रहने वाले हैं, तो जर्मन के रहने वाले। हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि जर्मन के एक ऑथर लिथोग्राफी को इन्वेंट किए थे, तो ये भी याद रखना है एलोइस सेनेफेल्डर। मतलब क्वेश्चन एक ही है बट उसको घुमा के हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्टोन वाज ट्रीटेड विद ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड गम एरेबिक। जैसा कि मैंने आपको अभी बताई कि हम उसमें एसिड और गम एरेबिक का भी यूज करते हैं। जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग गम एरेबिक और एसिड को, एसिड में भी कौन सा एसिड का यूज करते हैं, नाइट्रोजन एसिड का यूज करते हैं, जो भी हम आप लोग को नेक्स्ट बताएंगे। तो याद रखना है कि गम अरेबिक का भी यूज होता है लिथोग्राफी में। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से गम का यूज होता है, तो याद रखना है गम अरेबिक का, और एसिड कौन सा, तो वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कौन सा एसिड का यूज करेंगे। उसके बाद अभी मैं तुरंत आप लोग को बताई थी यहाँ पे कि इमेज जो हम ड्रॉ करते हैं वो ऑयल बेस्ड मीडियम, जो भी पेंसिल का यूज करेंगे या फिर कोई भी क्रेयोन यूज कर सकते हैं जिसमें वैक्स होता है, वैक्स क्रेयोन का यूज करेंगे, ठीक है, और यूज होता है नाइट्रिक एसिड का। अभी मैं बताई थी कि जो एसिड यूज करेंगे वो एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड, जिसे हम HNO3 कहते हैं। ये तो नहीं देगा आपको ऑप्शन में, पूछ देगा कि लिथोग्राफी में कौन सा एसिड का यूज होता है, सल्फेट एसिड, नाइट्रिक एसिड, और भी ऐसे ऑप्शंस होंगे, तो आप लोग को सही लगाना है नाइट्रिक एसिड।
नेक्स्ट है कि इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हु वर्कड इन लिथोग्राफी। लिथोग्राफी कौन कौन से आर्टिस्ट काम किए हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट जो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, हेनरी दी तोलोस लॉत्रेक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर दूंगी। उसके बाद गोवा है, मुंक है, देला क्रोएक्स है, गेडी कॉल्ट है, जैसे कि एडवर्ड मुंक मालूम होगा आप लोग को, देला क्रोएक्स है, फिर आपका थियोडोरो जेरिकॉल्ट है, गोया है जिसको हम फ्रांसिस्को दी गोया के नाम से जानते हैं। इनका एक काम भी है लिथोग्राफी में जिसका नाम है बुल्स ऑफ बोर्डियक्स। बुल्स ऑफ बोर्डियक्स ये किनका काम है, गोया का है। कब किए हैं, 1828 में। कौन से मीडियम में, तो लिथोग्राफी में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम सी एस्चर जो है लिथोग्राफी को के मास्टर के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि लिथोग्राफी के मास्टर्स कौन हैं, तो फिर एम सी एस्चर डालना है, और लिथोग्राफी का इन्वेंट किसने किया है, तो एलोयस सेनेफेल्डर लिखना है। और कब हुआ है, 1796 में हुआ है। लिथोग्राफी कैसी एक सरफेस होती है, तो स्मूथ सरफेस होता है, यानी कि समतल होता है, ये याद रखिएगा। मान लीजिए कि रुखड़ा दे दे, हार्ड सरफेस दे दे, तो नहीं, स्मूथ सरफेस होता है, रफ सरफेस इसका नहीं होता है, पूरा ही प्लेन सरफेस, जैसे कि मीडर एकदम प्लेन होता है उस तरह से। और इसमें कौन से स्टोन का यूज होता है, तो लाइम स्टोन का यूज होता है, याद रखिएगा। लाइम स्टोन, कौन सा स्टोन हम यूज करते हैं, लाइम स्टोन का यूज करते हैं। उसके बाद आप लोगों को मैं बताई कि इसमें एसिड का यूज होता है, कौन सा एसिड, नाइट्रोजन एसिड। और गम का यूज होता है, कौन सा गम का, एक पर्टिकुलर गम होता है, गम अरेबिक, थोड़ी पानी सी क्वालिटी देखने में होती है इस गम का, उसी गम का यूज होता है। आप नॉर्मल कोई भी जो मार्केट में फेविकॉल मिलता है उसे आप यूज नहीं कर सकते हैं। और वो गम किस चीज़ का होता है, जैसे कि मान लीजिए नीम की जो पत्ती होती है, नीम से जो गम निकलते हैं, या फिर बबूल से जो गम निकलते हैं, वही उसी गम को हम गम अरेबिक कहते हैं, उसी गम का घोल बना के यूज होता है, ठीक है। तो गम अरेबिक समझ गए, यानी कि नेचुरल गम का यूज होता है। जैसे अगर नीम की छाल है, अगर ये नीम की पेड़ है, यहाँ से हम नीम को काट दें तो यहाँ से गम निकलना स्टार्ट होता है, ये तो आप लोग को मालूम होगा, तो वही गम का यूज होता है, ठीक है, नेचुरल गम का, जिसे हम गम अरेबिक के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, ऑयल और वाटर का मिश्रण होता है, बिना पानी के हम काम नहीं कर सकते हैं, ना ही हम बिना तेल के काम कर सकते हैं। बार बार काम करते समय आपको टर्पेंटाइल ऑयल की भी आवश्यकता होती है। टर्पेंटाइल की आवश्यकता क्यों होती है, टर्पेंटाइल की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो भी आप कलर उसमें लगाते हैं, उस कलर जो एक्स्ट्रा कलर हो जाते हैं उसके, उसे निकालने के लिए। जैसे ये मान लीजिए लिथोग्राफी है, मान लीजिए आपने यहाँ पर ड्राॅइंग किया, चलिए यहाँ पर मान लीजिए आपने ये ड्राॅइंग किया, ठीक है, ये आपका ड्राॅइंग है। अब आपने ये ड्राइंग कर लिया, तो कलर तो आपको सिर्फ यहीं पे चाहिए, यहाँ पे कलर नहीं चाहिए, और ना ही आपको यहाँ पे कलर चाहिए। मैं दूसरा कलर लेके बताती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका ड्राइंग हो गया, अब ये सरफेस में तो आपको कलर नहीं चाहिए, और ना ही ये सरफेस में कलर चाहिए, आपको सिर्फ कलर इस सरफेस में चाहिए, ये जो इतना पार्ट बचा हुआ है सिर्फ इस सरफेस में चाहिए। तो इसलिए हम टर्पेंटाइल का यूज करते हैं, जिसको टर्पेंटाइन ऑयल, ये तो सबको मालूम होगा, ऑयल में भी यूज होता है ब्रश धोने के लिए। तो टर्पेंटाइल ऑयल जो होता है उसे हम इस एजेस पे और ये सारे साइड में लगा के इसे पोंछते हैं, ताकि हमें सिर्फ इमेजेस के पास ही कलर आए, अलग जगह पे ना आ जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर ये है और हमने ये इमेज बनाया, और यहाँ पे भी कलर रह जाएगा, यहाँ पे भी, तो जब हम प्रिंट लेंगे तो ये प्रिंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसे नहीं लेना है, इसलिए हम टर्पेंटाइल का यूज करते हैं, ताकि इस जगह पे इमेज ना आए, इस जगह पे हमें वाइट पोर्शन आए, ठीक है, पेपर एकदम वाइट आए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ और ये कर रही हूँ कि जो भी टेक्निक होता है प्रिंटिंग का, उसमें हमेशा ही मिरर इमेज आते हैं। मिरर इमेज कहने का मतलब उल्टा आएगा। मान लीजिए कि हमने ये एक ये बनाया, ये हमने ड्राइंग की है, अब क्या होगा, ये ऐसे नहीं आएगा, जब आपकी प्रिंट आएगी तो ये उल्टा हो जाएगी, और उल्टा होने के साथ ये कुछ इस तरह की बनेगी, प्रिंट आपकी ऑपोजिट साइड में आती है। तो ये भी याद रखिएगा कि जब भी आप प्रिंट करते हैं, चाहे वो लिथोग्राफी हो, चाहे वो एचिंग हो, ड्राई पॉइंट हो, एक्वा टिंट हो, ये सभी में ही आपका मिरर इमेज आता है, जो भी आप बनाएंगे उसका ऑपोजिट आएगा। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमें नाइट्रिक एसिड लिखना है उस पर, तो हम ऐसे नाइट्रिक नहीं लिखेंगे, अदरवाइज़ ये नाइट्रिक उल्टा आ जाएगा। नाइट्रिक को अगर हमें लिखना है, तो हम नाइट्रिक को इस तरह से उल्टा लिखेंगे, ताकि वो सही आए, सीधा आया लिखने के बाद, मिरर इमेज में हम लिखेंगे नाइट्रिक को। समझ रहे होंगे आप मेरी बात।
सॉरी एन ऐसे होता, एनीवेज जो भी है, तो समझाने के लिए समझा दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सारी जानकारी इसमें लिथोग्राफी से मैं दे दी हूँ, इससे आगे आपको लिथोग्राफी का नहीं। हाँ एक चीज़ पूछेगा, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोलिफिक होता है, सॉरी हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोलिफिक, ये एक प्रोसेस है लिथोग्राफी का। अगर इस पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं बना दूंगी। और इससे एनटीए नेट में एक बार क्वेश्चंस आ भी चुका है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आई होंगी और बहुत हेल्पफुल करेगा आप लोग को एनटीए यूजीसी नेट में। केवीएस एनवीएस से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाएंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएसएसबी में पूछे जाते हैं तो डीएसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी फाइन आर्ट ड्राइंग टीचर किसी भी तरह की अगर आप एग्जाम दे रहे हैं विजुअल आर्ट से रिलेटेड, तो सारे में ये आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।